1, 2, 3 टन टन न भाई कितनी ज़्यादा धूल है यार इस पे। ओह हो, लेकिन इसको जो है मैं अकेला तो यहाँ से निकाल नहीं पाऊँगा, उतार नहीं पाऊँगा, तो इसको जब मोंटू भाई आएगा या गुरुजी आएंगे उस टाइम ही निकालेंगे हम लोग यहाँ से। तूने क्या सोचा? छः नहीं ब्रो, मैं जा रहा हूँ जरा काम से, देखते हैं गाइस, छक्का मारूंगा सीधा। हल्के में ले रखे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसी है अपनी यूट्यूब फैमिली, होप करते हैं गाइस आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और सभी अपने अपनी लाइफ में अच्छा करे होंगे। तो आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शाम के 3 बजे, 12-1 बजे हम लोग आ रखे थे। उसके बाद हम लोगों ने अपना व्लॉग वगैरह जो भी है वो एडिट करा, काम करते करते हमें पता ही नहीं लगा कि कब जाके भाई शाम के 3 बजे। तो अभी हमारे को थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं, तो अभी ऊपर चलते हैं। मैंने घर वालों को बोला था कि क्या बना के रखा है, लेकिन वो बोल रहे हैं आज कुछ भी नहीं है तेरे लिए। तो अभी मैंने और छोटे भाई ने सोचा कि हम लोग जो है वो मैगी बनाते हैं। हमारी जो वीडियोज है वो डाउनलोड हो चुकी हैं, तो अभी इनको भी जो है हम लोगों को एडिट करना होगा। ओहो, कभी धूप कभी छांव, मौसम का कुछ पता ही नहीं लगता है, कभी धूप आ जाती है कभी छांव हो जाती है। डिंग 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 है बाड़ी। ये देखो भाई सब अपने अपने काम में लगे हुए। ओ भाई मैंगो, गाइस मैंगो देखो भाई, इसका साइज देखो तुम, ये एक ही मेरे को लगता आधे किलो का होगा। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये क्या लगाई थी, तुलसी, तुलसी जय माँ तुलसी। हाँ अरे तुम्हारे को एक बार बाइक पे क्या बिठा दिया, अब रोज ही बाइक की राइड ढूंढते हैं। चल ले जाऊंगा। तो अभी ये बोल रहे हैं कि इनको कपड़े सिलवाने के लिए जाना होगा कहीं पे, तो दर्जी के पास छोड़ आना हमारे को बाइक पे। यहाँ से हार्डली आधा किलोमीटर होगा बट, लेकिन पैदल नहीं जाएंगे अब, बाइक पे जाएंगे। चलो यार ले जाएंगे इनको, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सारी बाबू। मैं आया मतलब तबाही। पे हमारी मैगी रेडी हो चुकी है, रिव्यू किड बन रही वहाँ भाई। ठीक है, एक चीज को अरे 20-20 बार बोलना फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है, एक बार बोल दे कि छोड़ के आ जाएंगे तो आ जाएंगे। और गाइस गर्मी से तो यार कसम से बुरी हालत होगी, मतलब नेक्स्ट लेवल गर्मी है। अभी पेट को जाओ, अभी करेंगे काम दूजा। ये देखो अभी हम लोग जो है वो बना रहे पॉपकॉर्न, वो भी घर की मक्की से। ओ भाई गर्मी लग रही है, यहाँ पे पंखा भी नहीं है। तेल थोड़ा सा तेल, दो चम्मच तेल डालेंगे इसमें। एक साउंड सुनो, साउंड। मैं भी चला यार, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बैठा, पंखा बंद कर दिया। ठीक है मैं भी जा रहा हूँ, चलो यार अपने कमरे में। हे ब्रो व्हाट्स अप, खा जाऊँ। ओह लगी तो नहीं, एक बॉल कराइयो मेरे को, पेस करा। हाँ ब्रो तू क्या सोचता है, ऐसे ही हम भी कच्चे खिलाड़ी थोड़ी ना है। गाइस देखते हैं, ओह कुछ ओ भाई आउट थोड़ा ना होया। तूने क्या सोचा, छः नहीं ब्रो मैं जा रहा हूँ जरा काम पे, देखते हैं गाइस छक्का मारूंगा सीधा। हल्के में ले रखे, अह यही काम किते। ये ले खेलो, अबे यार लास्ट बॉल टू गो। ओ देखिया चौका, ये लो ये रखा बैट, बाबा आके खेलता हूँ। चले यार निकलते हैं हम लोग, चलो साहब फिर से एक बार फिर से तुम्हारे को राइड दे के आते हैं। है? पेट्रोल भी कमी है। हाँ क्या, सॉरी मेरे को याद नहीं रही थी।
ए मटगार निकाल इतना ना ता है इतना पुंज लो डंगर। ओहो हो पिछली पूरी सीट गंदी हो गई है। ओ इतनी बैठी हो जल्दी करा फिर मैं जाना भी है। तीन बंदों के लिए ये वाली बाइक कंफर्टेबल नहीं होती है ना। अगर अपना प्लेटिना होता उस पर आराम से भाई तीन बंदे बिठा लो चार बिठा लो उसका कोई सीन नहीं रहता है। लेकिन यार इसमें एक सीट ऊपर होती है एक सीट नीचे होती है तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है खासकर जो चला रहा होता है। तुम लोग समझ सकते हो मेरी दर्द पीड़ा इस टाइम। बट कोई ना सह लेंगे थोड़ा। ओ भाई हम लोग इस पुल के पास करते हैं भाई। दो मिनट का रास्ता था लेकिन नहीं अब सभी को बाइक पे आना है भाई बाइक पे घूमना है। निचले वाले पुल पे जो खड़ते हैं रा एक आधी रील ही बना लेंगे उतने में। जिंदगी में आना सुन ओ तेरे की मैं कहीं गलत तो नहीं। हाँ आ गया वो गया था। ओ यार शट मैन मेरे पूरी चप्पल खराब हो जाएगी। ओ भाई गंदा स्कीट करा यहाँ पे तो पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। और यार अगर मैं जो है ना बाइक को भगाऊँ नहीं ना तो फिर वो मज़े नहीं आता है ना व्लॉग शूट करने का ना। लेकिन अभी मम्मी के साथ आ रखे है तो फिर भगा तो हम लोग सकते ही नहीं है। ओ पिछला टायर देखो यार वो पूरा मिट्टी के साथ कैसा हो गया भाई। रील बनेगी खतरनाक क्या। हाँ हाँ बैठो लाइक छोटे छोटे तुसे आए बढ़िया बाइक छोटे बंदे आइट सीढ़ी बनवानी तुम्हारे लिए सीढ़ी बनवानी पड़ेगी छोटी सी छोटी सी तो बाइक करी हाइट तो छोटी हो नहीं सकती होना भाई। जब भी आरुद्रा को दूर से देखता हूँ ना कसम से प्यार हो जाता है। बस ये वाला पोर्शन मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इस पे जब पेंट हो जाएगा फिर मज़ा आने वाला है। बाकी चलो चलते हैं मासी के घर पे क्योंकि हम लोगों को बड़े ज़्यादा दिन हो गए हम लोग गए नहीं। अभी पैंथर को भी ऑन नहीं करा है। गुरु जी की बाइक है अभी गाड़ी है पता नहीं यार मेरे को भी कितने ज़्यादा काम है। मेरा जो डिपार्टमेंट है ना वो गाड़ियों वाला है। बाकी मोंटू भाई भी आ जाएंगे अभी जल्दी मेरे को भी नहीं पता कब तक आएगा लेकिन आ जाएगा। आने वाला वो देखो वो करीब आ रहा है। ओ भाई पहुंच गए। देखो दो मिनट का रास्ता यार दो मिनट का भी नहीं बोल सकते सेकंड 30 सेकंड का रास्ता है। रुद्रा को भी वॉश कर लेंगे सारी गाड़ियाँ वगैरह जो है वो आज वॉश करके हम लोग उनको स्टार्ट करके लगा देंगे बढ़िया अच्छे से। ओ शेट मैन मैं भूल गया यार गुरु जी का कुर्ता सॉरी गाइस। यार क्या मोए मोए होता रहता है मेरे साथ। चलो मैं फिर से जाके आता हूँ। यार मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ ना मैं भूल ही जाता हूँ अब आधी चीज़ें तो। चलो 30 सेकंड का रास्ता है वो 1 मिनट का हो गया। ओहो हो 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 भाई लो जी अभी तो लो भाई। ओ भाई पिछला टायर ना ऐसे रोड पे इतना ज़्यादा स्किट करता है लेकिन अब आदत हो गई है मेरे को मैं डरता नहीं हूँ। ये देखो भाई हम लोग फिर से हो चुके हैं नंगा पुंगा गैंग क्योंकि आज गर्मी कसम से बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैंने तुमको पहले बोला कि मेरे से नहीं सही जाती। बाकी सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं अपनी माफिया गड्डी की टेस्टिंग। ट्रांसपोर्ट वाला सारा सिस्टम मेरे पास है भाई। ये बात बच्चे फाइनली गड्डी होगी स्टार्ट। इसको थोड़ी देर अभी ऐसे रहने देते हैं उतने में जो है हम लोग बाइक को भी कर ही देते हैं साथ साथ में। 1 2 3 टन टन ने ये रहा गाइस अपना पैंथर। बढ़ जा मामा जल जा भाई कितनी ज़्यादा धूल है यार इस पे। ओहो लेकिन इसको जो है मैं अकेला तो यहाँ से निकाल नहीं पाऊँगा उतार नहीं पाऊँगा तो इसको जब मोंटू भाई आएगा या गुरुजी आएंगे उस टाइम ही निकालेंगे हम लोग यहाँ से। ओह लेकिन देखो धूल कितनी ज़्यादा हो गई है लेकिन इसका सही है यार क्योंकि इसको जो है हम लोगों ने अंदर रखा है घर के अंदर तो इसका जो भी पेंट वगैरह है वो सही रहेगा। और हमारी जो बाइक से उनकी तो कसम से सत्यानाश हो गई है मतलब मैं क्या ही बोलूँ।
इसको तो अभी हम लोगों ने चलाया भी बड़ा ज़्यादा कम है। देखो इसका जो टायर है ना वो बिल्कुल वैसा का वैसा है, ब्रांड न्यू। और मोटो भाई बीच बीच में बोल भी रहे थे कि इसको सेल कर देना, लेकिन मेरा दिल नहीं करता है कि इसको सेल करना है, तो बाकी देख लेंगे। ये देखो मीटर पे भी कितनी ज़्यादा मिट्टी है भाई साहब, देख रहे हो। चलो इसको भी वॉश करेंगे, लेकिन इसको अभी ऐसे रहने देते बेचारे को, ठीक ही है। मतलब मिट्टी है, धूल मिट्टी है, वो तो साफ़ हो ही जाएगी। तुम लोग देख सकते हो यार हमारी बाइक्स, और भाई वॉश करने के बाद क्या ही मस्त लगती है यार कसम से। ज़्यादा मिट्टी हो रखी थी तो मैंने सोचा यार आज वॉश कर ही देते हैं गुरुजी की भी और अपनी बाइक को भी साथ साथ में। और भाई देखो क्या सही लग रही है ना, एक बार तुम्हारे को साउंड चेकआउट करवा देते। और